दोस्तों सन 2023 तो गई, लेकिन कुछ यादें हमारे साथ छोड़कर गई है, क्योंकि अगर हम इंडियन इलेक्ट्रिक मार्केट की बात करें ना, तो हमें एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने के लिए मिले हैं, हाई रेंज वाले भी और लो रेंज में भी, प्रीमियम लेवल के भी और बजट रेंज के भी। और फिलहाल दोस्तों अगर हम उसी लिस्ट में बात करें ना 2023 की, तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर भी हमें देखने के लिए मिले जिन्होंने अपनी अलग ही पोजीशन बनाई, चाहे हम रेंज की बात कर लें चाहे उनकी टॉप स्पीड की बात कर लें। फिलहाल ये तो हो गई सन 2023 की बात, अब आते हैं सन 2024 में। तो सबसे पहले मेरी तरफ से मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत सारा हैप्पी न्यू ईयर, एंड जैसे कि आपने सपोर्ट किया आगे भी ऐसे सपोर्ट करते जाइएगा, थैंक यू। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आज हम उन इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करने वाले हैं ना जो सन 2023 के अंदर इंडियन इलेक्ट्रिक मार्केट में अपना कदम रखने वाले हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ पुरानी कंपनीज तो अवेलेबल हैं, बट इसके साथ साथ इसमें कुछ न्यू कंपनीज भी इस बार सन 2024 में इंडियन इलेक्ट्रिक मार्केट के अंदर कदम रखने वाली है। और आज हम उन्हीं के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं कि क्या रेंज हमें मिलने वाली, क्या फीचर्स होंगे, क्या टॉप स्पीड है, और सन 2023 से सन 2024 में हमें क्या अलग मिलने वाला है। तो सब कुछ जानने वाले हैं, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं इसके टैप फायर। दोस्तों सबसे पहले एक न्यूज़ बता दूं, एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करते हैं ना, तो और भी ज़्यादा कॉस्टली हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है ना, वैसे वैसे इनकी प्राइस भी हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लान कर रहे हैं ना, तो जल्दी से परचेज कर सकते हैं, बाकी ये लिस्ट भी देखिए, शायद कोई आपकी हेल्प हो जाए। तो बढ़ते हमने लिस्ट की तरफ, नंबर वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करते हैं जो आता है हमारा इलेक्ट्रिक्स ईवी LXG 3.0। दोस्तों ये ना एक क्यूट इफिशियंट एंड यूजर फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको देखने के लिए मिलता है। प्राइस की बात करते हैं तो अभी तक इसका प्राइस सामने निकल कर नहीं आया है। लॉन्च डेट इसकी बताई जा रही है January 2024। इसमें रेंज आपको मिलने वाली है 105 किलोमीटर की सिंगल चार्ज पे, एंड टॉप स्पीड इसके साथ आती है दोस्तों 60 किलोमीटर पर आवर की। रिमोट एंड पुश बटन आपको स्टार्ट दिखने वाला है। इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाले हैं एंड पावरफुल यूनिक डिजाइन आपको इसमें मिलने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करते हैं तो हमारा है होंडा की तरफ से होंडा इलेक्ट्रिक स्कूटर। दोस्तों जैसे कि आपने अभी पहला देखा था कि एक्टिवा जो थी, कंपनी ने डिसाइड किया है कि एक्टिवा के ही वर्जन को अब इलेक्ट्रिक मार्केट में इलेक्ट्रिक वाले वर्जन के साथ लॉन्च किया जा सकता है। अगर इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 110,000 रुपये इसका एक्सपेक्टेड प्राइस बताया गया है। लॉन्च डेट अगर बता दें तो March 2024 है। इसके अंदर रेंज आपको मिल सकती है 160 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक, एंड अगर टॉप स्पीड की बात करते हैं तो 90-100 किलोमीटर पर आवर की इसमें टॉप स्पीड रहने वाली है। बाकी अगर डिटेल्स की बात कर लें तो अभी तक होंडा ने कोई भी डिटेल शेयर नहीं की है, जैसे कोई डिटेल आती है तो आपको मिल जाएगी। दोस्तों तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है हमारा LML स्टार। दोस्तों ये एक पावरफुल इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसके साथ आपको 4 किलोवाट आवर की रिमूवल बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो काफी मॉडर्न लुक एंड बड़ा साइज आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। तो अगर प्राइस की बात कर लें तो 1,00,000 रुपये इसका प्राइस बताया जाता है। लॉन्च डेट इसकी मार्च रहने वाली है, एंड अगर रेंज की बात करते हैं तो 120 किलोमीटर, एंड टॉप स्पीड इसके साथ आती है 85 किलोमीटर पर आवर की। बाकी दोस्तों इसमें LED लाइट्स मिलने वाली है एंड ट्यूबलेस टायर इसके साथ आने वाले हैं। दोस्तों चौथा इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है हमारा हीरो इलेक्ट्रिक एज, का काफ़ी टाइम से दोस्तों बहुत सारे अपडेट इसके रिलेटेड आ रहे थे सामने निकल के। फिलहाल इसको रिलीज अनवील्ड कर दिया गया है कि इस बार 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अगर इसके ऑटो एक्सपो की बात करें तो 2020 में हुआ था, मतलब 4 साल होने वाले हैं इसको, बट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। अगर इसके प्राइस की हम बात कर लेते हैं तो बताया जा रहा है 70,000 रुपये इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है। लॉन्च डेट इसकी जनवरी बताई जा रही है, एंड रेंज 80 किलोमीटर पर चार्ज, एंड टॉप स्पीड की बात करते हैं तो 40 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड रहने वाली है। बाकी बात कर लेते हैं थोड़े से डिज़ाइन की, तो स्पोर्ट्स एंड यूनिक ब्लू ब्लैक आपको डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, स्टाइलिश लुक है। बाकी और भी डिटेल हैं जो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है बहुत जल्दी जनवरी या फरवरी तक इंडियन इलेक्ट्रिक मार्केट में लॉन्च हो जाएगा ये। तो दोस्तों नेक्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करते हैं जो आता है हमारे पांचवें नंबर पे, सुजुकी बजमैन इलेक्ट्रिक। दोस्तों ये एक टू व्हीलर ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो बहुत हैवी आपको दिखने वाला है, और इसकी लॉन्चिंग डेट काफ़ी डिले हो रही है धीरे धीरे, बट अब इसकी फाइनल डेट आ चुकी है। अगर प्राइस की बात कर लेते हैं तो 1,20,000 रुपये रहने वाला है। April 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर। चार्जिंग रेंज की बात करते हैं तो 115 किलोमीटर की रेंज है। टॉप स्पीड इसके अंदर आपको 90 किलोमीटर पर आवर की देखने के लिए मिलती है। दोस्तों 6 नंबर पे और लास्ट आज की वीडियो का हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है वेस्पा इलेक्ट्रिक का। दोस्तों ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है ना जिसे ऑटो एक्सपोज 2022 में दोस्तों एक्सपोज किया गया था, बट इसकी भी बहुत ज़्यादा डिले हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये जो डेट है इसकी फाइनल डेट होने वाली है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर हम प्राइस की बात कर ले तो 90,000 इसका प्राइस आने वाला है, और डेट बताई जा रही है May 2024, यानी कि June 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। रेंज इसमें मिलने वाली है आपको 100 किलोमीटर पर चार्ज, एंड टॉप स्पीड इसके साथ आती है 70 किलोमीटर पर आवर की। बाकी थोड़ा सा वेट करते हैं क्या अपडेट आने वाला है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो 2024 में आने वाले टॉपेस्ट एंड पावरफुल इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन इलेक्ट्रिक मार्केट के अंदर। आप मुझे बताइए आप कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर को प्रेफर करते हैं, एंड कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके माइंड में चल रहा है या कोई अपडेट आपकी नजर में, तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अभी और भी लिस्ट आने वाली है, आगे वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ही कवर करते हैं, आगे और कवर करने वाले। बाकी आज की वीडियो में फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, अब तो दुआ में याद रखना, खुदा हाफिज़।